हरि ओम। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संतोष चौबे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट ए वैदिक मंत्र एंड नेम ऑफ द मंत्र इज सहना भवतु सहनो भुनक्तु। हम लोग आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में एक वैदिक मंत्र पे बातचीत करेंगे जिस मंत्र का नाम है सहना भवतु सहनो भुनक्तु। A very in question you can ask that why I am discussing with you this mantra। आप एक प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो यहाँ पर कि मैं इस मंत्र के बारे में आपसे क्यों बातचीत कर रहा हूँ। तो देखो, मैं बताना चाहूँगा कि when I start my video, every video start with some Vedic mantras। मैं जब कोई भी अपना वीडियो शुरू करता हूँ तो मैं किसी न किसी वैदिक मंत्र से आरंभ करता हूँ। कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न है कि आखिर ये जो वैदिक मंत्र आप उच्चारण करते हो, खास करके सहना भवतु सहनो भुनक्तु, ये तो ये भोजन मंत्र है सर, आप इसका प्रार्थना के रूप में इसका उपयोग क्यों करते हो? तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको सही जानकारी इसके बारे में लगता है नहीं है, और इसलिए मैं आज आपको इस मंत्र के बारे में सही सही जानकारी देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, वैदिक मंत्रास आर नॉट ऑर्डिनरी मंत्रास। ये वैदिक जो मंत्र हैं, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। दिस मंत्रास हैव बीन कंपोज बाई आवर एंसेस्टर्स फ्रॉम टाइम इमेमोरियल बाई देयर सस्टेन रिसर्च। सतत प्रयोगों के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इन मंत्रों को मंत्रों का संकलन किया, इन मंत्रों का उन्होंने पहले गढ़ा और उसके बाद उसका संकलन किया। दिस मंत्रास हैव इफेक्ट ऑन योर मेटाफिजिकल एंड फिजिकल लाइफ एज वेल। इन मंत्रों का न सिर्फ आपके आध्यात्मिक जीवन में बल्कि भौतिक जीवन में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, यह जो मंत्र है आपका, इस मंत्र को सबसे पहले मैं इसको इंट्रोड्यूस करा दूँ आपको कि सहना भवतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यम करवा वहे तेजस्विनो अवधीतमस्तु मा विदुषावहे। यह जो मंत्र है, यह मंत्र लिया गया है आपका तैतरीय उपनिषद से। तैतरीय उपनिषद इज द पार्ट ऑफ कृष्ण यजुर्वेद। देखिए, जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के दो भाग हैं। पहला आपका कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है, जो आपको वैदिक ग्रंथ हैं, उन सभी वैदिक ग्रंथों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, उनके अपने आरण्यक ग्रंथ भी हैं और उनके उपनिषद भी हैं। तो जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है, उससे संबंधित एक उपनिषद है जिसका नाम है तैतरीय उपनिषद। इसलिए सहना अवतु सहनो भुनक्तु जो मंत्र है, कुछ लोग इसको कहते हैं सिर्फ यजुर्वेद से लिया गया है, लेकिन अगर एग्जैक्टली पूछा जाए कि यह मंत्र कहां से लिया गया, तो यह मंत्र है तैतरीय उपनिषद के भाग नंबर 2, अध्याय नंबर 2 और उसका मंत्र नंबर 2, तो 2.2.2। तो यह जो है तैतरीय उपनिषद से लिया गया है, और तैतरीय उपनिषद किसका भाग है, तो यह कृष्ण यजुर्वेद का एक भाग है। अब आइए हम लोग बात करते हैं इस मंत्र के बारे में। तो यह मंत्र जो है, पहले मैं बता दूं आपको कि यह जो मंत्र है, इस मंत्र को हम लोग प्रार्थना के रूप में सबसे अधिक उपयोग करते हैं। हालांकि कुछ लोगों की यह सोच है कि यह सिर्फ भोजन मंत्र है, लेकिन आपका यहाँ पर रॉन्ग कॉन्सेप्शन है। यह बड़ा ही अद्भुत मंत्र है। आपको यह मंत्र को के अर्थों को जान करके, इसका भावार जानकर आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी निश्चित रूप से। बस थोड़ा सा आप ध्यान रखना इसमें। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहे तेजस्विनो मा उदितमस्तु मा विदुषावहे। तो यहाँ पे मैं आपको यह बता दूं कि सबसे पहली बात यहाँ पर नंबर 1 में कि दिस इज द गुरु डिसाइपल मंत्र, या गुरु शिष्य के बीच का मंत्र है। दिस इज मंत्र बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स विथ होम यू आर इंटरेक्टिंग, या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ का मंत्र है जिसके साथ में आप किसी प्रकार का आपका कोई संबंध हो। तो पहली बात तो यह है कि दिस इज अ प्रेयर नॉट ओनली फॉर यू, दिस इज प्रेयर फॉर द होल वर्ल्ड। यह सिर्फ आपके जीवन का मंत्र नहीं है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड या विश्व के लिए यहाँ पर प्रार्थना है, पहली बात है। दूसरी बात है, इसमें चूंकि भोजन की बात की गई है, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, फूड इज द मीन्स बाई विच वी सस्टेन आवर लाइफ। यह जो भोजन है, इसी के माध्यम से तो अपने जीवन को हम चला रहे हैं। और जाहिर सी बात है, लोग कहते भी हैं कि जैसा होगा आपका तन वैसा होगा आपका मन, और जैसा होगा आपका मन वैसा ही होगा आपका तन। तो जाहिर सी बात है, तन को बनाने वाला कौन है, भोजन है। तो भोजन का जीवन बड़ा महत्व है। तो यहाँ पे यह भोजन के बारे में बात की गई है, पोषण के, हम जो पोषण करेंगे वो से हमारा जो हम भोजन कर रहे हैं उससे हमारे जीवन में पोषण की वृद्धि हो। तो यह इसलिए इसको भोजन मंत्र के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
सबसे लास्ट में यहाँ पर है ओम शांति शांति शांति। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा दिस इज द मंत्र ऑफ पीस या शांति का मंत्र भी है। और शांति का मंत्र का मतलब देखो यह है कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन एग्नी डिसअपॉइंटमेंट या अगर जितनी बात की जाए नेगेटिविटी की, यह दुनिया जो है यह पॉजिटिव दुनिया है, लेकिन धीरे 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 इस पॉजिटिव दुनिया में नेगेटिविटी ने चारों तरफ से घेर लिया। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आर एक्सपीरियंसिंग अ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन इन देयर लाइफ। दुनिया का लगभग हर इंसान जो है कहीं ना कहीं कुंठाओं में, कहीं ना कहीं अशांतियों में डूबा हुआ है। ये मंत्र प्रार्थना करता है कि आप शांति हो, शांति हो, शांति हो, हर मन के अंदर शांति हो, हर पूरे विश्व में शांति हो। तो इसलिए इसको शांति मंत्र भी कहा जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले इस मंत्र का आपको अर्थ बताता हूँ, उसके भावार्थ बताता हूँ, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपको जानकर के बड़ा ही आपको बहुत खुशी होगी, बड़े आनंद की प्राप्ति होगी कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने इस धरती पर कितने अद्भुत मंत्र रचे गए और इन मंत्रों का क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले नंबर वन कि सबसे पहले ओम से स्टार्ट होता है। ओम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनो अवधितमस्तु मा विदुष्वावहे। तो सबसे पहले देखो ओम यहाँ पे है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओम इज नॉट ए सिंगल साउंड, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री साउंड्स। ये तीन जो है ध्वनियों से मिलकर बना हुआ है, अ उ म। अ मीन्स क्रिएशन, 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 क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। और ऊ मीन्स सस्टेनर, सस्टेनेंस ऑफ द वर्ल्ड। एंड म इज डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। मैं बताना चाहता हूँ देखो इस जैसे प्रकृति ये धराधाम है, यहाँ पर तीन बातें होती हैं। पहला कि जन्म होता है, लालन पालन होता है, और फिर वह चीजें समाप्त हो जाती हैं। जन्म पालन और फिर उसकी समाप्ति, यही है आपका पूरा नेचर का साइकिल। तो यह हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने कहा यही तो भगवान है, यही तो ईश्वर है, यही तो अल्लाह है, यही तो गॉड है, जन्म देने वाला, पालन करने वाला और फिर उसको समाप्त करने वाला। यहाँ पे जो कोई भी आया है उसको मरना है, उसको उसको मरना है, लेकिन उसके बीच में कड़ी है, वह कड़ी है उसका पोषण होना, उसका पलवित पोषित होना, उसका आगे बढ़ना। तो अ उ म से यहाँ पर हो गया ओम। अब मैं तुमको बताऊं कि यह जो साउंड है ना, दिस साउंड was invented, discovered by our forebears, ये हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने इस साउंड को खोजा एक प्रकार से। कि जब बिग बैंग हुआ, हालांकि उनको बिग बैंग का कॉन्सेप्ट पता नहीं था। बिग बैंग कॉन्सेप्ट जो है वो 1930 में जॉन लेमात्रे नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया, 1928 में जॉन लेमात्रे नाम के वैज्ञानिक ने दिया। लेकिन बताना चाहूंगा कि सन अनादि काल से हमारे पूर्वजों को यह जानकारी थी कि यह ब्रह्मांड का एक अपना कंपन है। तो जब यह ब्रह्मांड जो है उत्पन्न हुआ, तो उस समय अगर हम आज मॉडर्न साइंस की बात करें, मॉडर्न साइंस कहता है कि व्हेन बिग बैंग अकर्ड टू प्राइमरी पार्टिकल्स वेयर प्रेजेंट देयर एंड दैट वाज लेप्टॉन एंड क्वार्क। जब यह जो बिग बैंग हुआ उसमें दो कण थे, एक कण था आपका क्वार्क, छह प्रकार के क्वार्क थे और तीन प्रकार के लेप्टॉन थे। तीन प्रकार के क्वार्कों को मिलने से प्रोटॉन का निर्माण हुआ, तीन प्रकार के क्वार्कों को मिलने से न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ, और तीन प्रकार क्वार्क लेप्टॉन मिले उसके कारण से इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ। और जब एक प्रोटॉन का चक्कर एक इलेक्ट्रॉन लगाने लगा तो आपके दुनिया का पहला एलिमेंट बना जिसका नाम है हाइड्रोजन। यह जो प्रकृति है, जब यह एक सिंगल पॉइंट पर थी उसका अपना एक वाइब्रेशन था, उसका अपना कंपन था। उस कंपन को हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने इसको ओम के साथ जोड़ दिया कि जो ओम का कंपन है, ओम के उच्चारण से जो वाइब्रेशन पैदा होता है, ठीक वैसा ही वाइब्रेशन पैदा हुआ था बिग बैंग के समय। मतलब दिस इज द वाइब्रेशन ऑफ द नेचर, यह प्रकृति का कंपन है। तो प्रकृति का जो कंपन है, और आप अगर उस प्रकार के कंपन को क्रिएट करते हो तो क्या होगा, प्रकृति के साथ में जुड़ जाओगे, रेजोनेंस पैदा होगा, एक ग्रेट एनर्जी सेल्फ वॉल्व, एक बहुत ही बड़ी ऊर्जा यहाँ पर पैदा होगी। और यह ऊर्जा जब पैदा होती है तो रेजोनेंस जब होता है तो जाहिर सी बात है ऊर्जा की तो पूरा खेल है, ऊर्जा से तो सब कुछ चल रहा है। व्हेन यू कनेक्ट योरसेल्फ विद दिस नेचर, यू शैल एक्सेप्ट योर लाइफ, यू शैल प्रिवेल योर लाइफ। आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे, आप जीवन में उन्नति कर जाओगे, कि आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटित होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। तो सबसे पहली बात है ओम कोई साधारण आपका उच्चारण नहीं है, ओम इज द वाइब्रेशन ऑफ दिस नेचर। तो ओम
मैं मतलब गॉड, ईश्वर, अल्लाह, आप जो भी कहना चाहो, व्हाटएवर, ओम सहनावतु, सहनावतु, सह का मतलब होता है साथ में, और ना का मतलब यह होता है यहाँ पर हम दोनों या हम लोग, और वावतु, अवतु मतलब होता है रक्षा करें, हे भगवान, हे ईश्वर, हम जिसके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, हम जिसके साथ में भी हैं, मतलब गुरु अगर शिष्य के साथ में है, माता पिता के साथ बच्चे हैं, या फिर आप जिस किसी के साथ ऑफिस में हैं, कहाँ जहाँ कहीं भी है, आप जिस किसी के साथ में है, ये उसके लिए मंत्र है कि हे ईश्वर, हे भगवान, हम जिस किसी के भी साथ हैं, हम दोनों की आप रक्षा करें। ओम सहना अवतु, सहनो भुनक्तु, सहनो भुनक्तु, जिस जो कोई भी हम भोजन करें, व्हाट एवर वी आर टेकिंग एज फूड, जो भी हम भोजन कर रहे हैं, इससे हमारा जीवन में क्या हो, हमारे हम दोनों का पोषण हो। हम दोनों का मतलब यह है कि विद होम वी आर इंटरेक्टिंग, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, प्यारे वो, जहाँ कहीं भी आप जा रहे हो, जहाँ कहीं भी लोग आपके साथ हैं, हम उन सब के बारे में बात करें। देखो आप कितना कितना अद्भुत प्रकार का यह सनातन धर्म है कि हर धर्म में सब में कहीं ना कहीं पर उतनी ज़्यादा इंफेसिस नहीं किया गया लेकिन आप लोगों के ऊपर, लेकिन यहाँ पर देखो हमारा हम लोग का मोटो एक ही रहा, अयम निजा परो वेदी गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यह तुम्हारा है, यह हमारा है, ऐसे लोग सोचने वाले लोग का हृदय बड़ा छोटा होता है, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि संपूर्ण संसार ही हमारा परिवार है, और जाहिर सी बात है जब आप सोचोगे संपूर्ण संसार हमारा परिवार है, आपका हृदय बड़ा हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सोचते हो कि संपूर्ण परिवार ही संसार हमारा परिवार है, और परिवार के लिए तो पूरी दुनिया जी रही है, और जाहिर सी बात है जब दुनिया के लिए जीना शुरू करते हो, देन यू प्रिवेल इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में बहुत ऊपर चले जाते हो। तो सहना अवतु, सहनो भुनक्तु, हे ईश्वर, हे भगवान, हम दोनों की आप रक्षा करें, हम दोनों जो भोजन कर रहे हैं उससे हमारा पोषण हो, और साथ ही साथ सहनावतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यम करवावे, और इससे हमारे जीवन को में ऊर्जा की वृद्धि हो। सहनावतु, सहनो भुनक्तु, मा सहनो अवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यम करवावे, तेजस्विनो अवधितमस्तु। जो हम ज्ञान की प्राप्ति करें, देखिए जब हम छोटे रहते हैं ना तो यहाँ पर सिर्फ खाना पीना ही होता है, लेकिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो दुनिया को समझना शुरू करते हैं, तो हमें नॉलेज की प्राप्ति होने लग जाती है, और जब हमें नॉलेज आना शुरू हो जाता है तो देखो क्या होता है कि नॉलेज, आई वुड लाइक टू टेल यू, नॉलेज इज ए मीन्स बाई विच वी कैन रोयर। जो ज्ञान है, ज्ञान से ही हम लोग इस दुनिया को जानते हैं, समझते हैं, दुनिया में हम आगे बढ़ते हैं। और अगर ज्ञान नहीं है तो कहा गया है कि पुच्छ विहीन जो है आप पशु के समान हो, आप पुच्छ विहीन पशु के समान हो। तो यहाँ पे बताना मैं चाहूँगा कि जो ज्ञान है, जो कहा जा रहा है कि जो हम ज्ञान की इस समय जो हम ज्ञान को प्राप्त करें, इस ज्ञान से हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाए, हम सभी के जीवन का अंधकार दूर हो जाए, क्योंकि इग्नोरेंस इज द सीन, ग्रेटेस्ट सीन आई वुड लाइक टू टेल यू, जो अज्ञानता है यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, यह दुनिया की सबसे बड़ी लाचारी है। इसलिए आपके जीवन में ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए, तो हमारे जीवन में ज्ञान की अभिवृद्धि हो, ज्ञान की वृद्धि हो, हम जो कोई भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस ज्ञान से हमारे जीवन में अंधकार दूर हो, प्रकाश फैले, प्रकाश फैले, मतलब चीज़ों को हम सही तरीके से समझ पाए, नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, इसी कारण से इस दुनिया में लोगों के बीच में वैमनस्यता बढ़ रही है, लोगों के बीच में जो है वह झगड़े बढ़ रहे हैं, लोगों के बीच लोगों के मन के अंदर अशांति आ रही है, क्योंकि आप सही चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। और मैं बताना चाहता हूं कि आज आप देखो आज क्या है, आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं सूचना प्रौद्योगिकी के एक जाल में फंस चुकी है, और एक ऐसा जाल है जिस जाल को आप काट नहीं पाओगे आप, यही आपकी जिंदगी आने वाले कुछ 100 सालों के लिए, ये आपकी ज़िंदगी का, यह मैं कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी का यह एक आधार बन चुका है। एक ऐसा समय आएगा जब इस दुनिया में मैक्सिमम लोग जो है वह पागलों की तरह हो जाएंगे। आज देखो छोटे छोटे बच्चे जो है किस प्रकार से एडिक्ट हो चुके हैं मोबाइल और मन न जाने की चीज़ों के। तो जब तक आपको सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी कि व्हाट इज द रियल सोर्स ऑफ ब्लिस, तब तक आप अपने जीवन में सही जीवन जी नहीं पाओगे आप। तो यहाँ पर कहा गया हे ईश्वर, हमें जिस किसी भी ज्ञान की प्राप्ति हो उस ज्ञान से हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाए, अज्ञानता दूर हो। और सबसे बड़ी बात है कि जब ज्ञान आए तो हमारे बीच में किसी प्रकार का विद्वेष भी ना हो, क्योंकि जब ज्ञानी लोग जमा हो जाते हैं ना तो हर आदमी को लगता है ज्ञान से ही इंसान के जीवन में सच्चाई भी आती है, और उसी कारण से अहंकार भी आ जाता है। दो प्रकार के लोग पैदा होते हैं ज्ञान के कारण से, एक तो महात्मा बुद्ध की तरह महावीर
अपने स्वामी की तरह, भगवान राम की तरह, भगवान कृष्ण की तरह, जीसस क्राइस्ट की तरह, मोहम्मद साहब की तरह। जब ज्ञान मिलता है तो वे बांटना चाहते हैं, वो जो है सुगंधित होना चाहते हैं, वो अपनी महक को, अपनी सुगंध को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ वैसे लोग भी हैं, रावण की तरह लोग, आप कंस की तरह लोग, जिनको अगर ज्ञान मिल जाता है तो अपने ज्ञान को गलत तरीके से मोड़ देते हैं, वो ज्ञान जो है उसको वे उसका गलत से प्रयोग करते हैं। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हो तो इससे हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई अहंकार भी उत्पन्न हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखो, इससे बढ़िया, इससे सुंदर मंत्र कोई नहीं हो सकता। इफ यू रिसाइट दिस मंत्र इन योर लाइफ, आई एम that you are going to prevail not only the physical but not only the in the spiritual life but physical life as well। अगर आप इस मंत्र का पाठ करते हो, इस मंत्र को गुनगुनाते हो, तो इस मंत्र से न सिर्फ आपके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति आएगी बल्कि आपका भौतिक जीवन भी आगे बढ़ेगा। जिस दिन आपने दुनिया को एक परिवार समझ लिया, जिस दिन आपने दुनिया के लोगों को गले लगाना सीख लिया, मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट देन यू आर गोइंग टू गेट द ब्लिस, आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। दुनिया में सबसे अधिक जो दिखते हैं समस्याएं हैं इसलिए है क्योंकि हम दूसरों को दूसरा सिर्फ समझते हैं, और इससे जीवन में ईर्ष्याएं बढ़ रही हैं, घृणा बढ़ रही है। और जहां पर घृणा होगा, जहां पर ईर्ष्या होगी, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता, आप उसमें जलोगे, उसी मरोगे। तो यह देखो, यह मंत्र दुनिया के कल्याण के लिए मंत्र जरूर है, लेकिन इससे आप अपना सबसे पहले कल्याण कर रहे हो। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जरूर इस मंत्र का उच्चारण करें, एक बार, दो बार, चार बार, जब कभी भी मौका मिले इस मंत्र का उच्चारण करें। तो मैं उन सारी विद्यार्थियों के लिए जिनके मन के अंदर डाउट था, खास करके वे विद्यार्थी जो शिशु मंदिर से पढ़े थे या बाल विद्या मंदिर से पढ़े हुए विद्यार्थी है, चूँकि वहाँ पर इसका प्रयोग जो है वह भोजन मंत्र के रूप में किया जाता है, तो उनको ये लगता है कि ये भोजन मंत्र है, इसको हम लोग इसको क्यों सर जो है डेली वीडियो में इसको सुनाते हैं। तो मैं यह मंत्र जो है, मैं इस मंत्र का आपको बता दिया अर्थ सहित, भावार्थ सहित। अब इस मंत्र के साथ जुड़ो, आपको जीवन बड़े आनंद की प्राप्ति होगी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।